है एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि कल के सेशन में हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए बेस्ट एक्सपायरी लेवल्स कौन सा होने वाला है कल एक्सपायरी है क्या हमें जैकपॉट मिल सकता है तो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए और स्किप मत कीजिए ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए और लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स दूंगा जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को और ज़्यादा हेल्प करेगा ठीक है ओके फटाफट से एक बार आज का रिकैप कर लेते हैं आज बहुत सेलिंग प्रेशर आया ये वीकली चार्ट था मैं आपको डेली में दिखाता हूँ आज देख के कैंडल का साइज देख के ही आपको पता चल रहा है सिंपल लॉजिक बहुत सेलिंग प्रेशर आया है और ये प्रेशर आने का बहुत सारे रीजन भी थे मार्क ग्लोबल कंडीशन ठीक ठाक नहीं रहे, तो रह रहे हैं कुछ दिनों से ऊपर से चाइना का लॉकडाउन का न्यूज़ कोविड केसेस बढ़ने का न्यूज़ तो ओवरऑल एक मार्केट में पैनिक सिनेरियो क्रिएट हुआ और एक पैनिक सेलिंग आया 1.71 परसेंट लगभग लगभग क्लोजिंग दिया है 800 पॉइंट नीचे कल के क्लोजिंग से मार्केट ठीक है ओके okay. अभी आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाता हो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ग्लोबल सिनेरियो बहुत वीक है आप अगर गोल्ड को देखेंगे गोल्ड बहुत स्पीड से कॉमोडिटीज जब स्पीड से ऊपर जाता है ऊपर से गोल्ड की तरह स्टेबल कॉमोडिटी तब मतलब मार्केट में अभी जो भी इन्वेस्टर्स है वो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट पे उतना कॉन्फिडेंट नहीं है जिस तरह से एफ भी सेलिंग कर रहा है दिसंबर में तो सेलिंग आता ही है ऊपर से एक सेफ स्टॉक में जब बाइंग हैपनिंग होता है तो मान लीजिए कहीं ना कहीं अभी इक्विटी मार्केट पर लोग इंटरेस्टेड नहीं हो रहे बड़े लोग तो इसका मतलब सिंपल हो गया मार्केट पे अभी थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा ठीक है नेक्स्ट सिनेरियो क्या है यूएस डॉलर इट इज़ गोइंग अप यूएस डॉलर फिर से अपना तेज़ी पकड़ रहा है और मुझे लगता है इस बार ये फिर से अपना ऑल टाइम आई को एक बार फिर टच करेगा ब्रेक करेगा उसके बाद आर शायद कुछ एक डम्प करके इसको ठीक करें ठीक है तो दो सिनारियों नेगेटिव में ऑलरेडी आ गया है ऊपर से आप अगर देखेंगे मैंने आप लोगों को बताया था वीकली एनालिसिस में ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है ठीक है ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है लेवल्स को थोड़ा हटा देता हूँ ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है इसके नीचे मार्केट जब भी जाएगा मार्केट पर नेगेटिविटी आएगा देखिए इसके नीचे मार्केट निकल गया और बहुत अच्छी तरीके से ये अपना पैटर्न को फॉलो कर रहा है नेगेटिविटी रहेगा देखिए जो दिखता है वही होगा इसमें मतलब जो दिखता है वही बिकता है बोलते हैं ना मतलब ऐसा दिख रहा है हमें संकेत मिल रहा था जब भी शूटिंग स्टार बनता है सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी शूटिंग स्टार बनता है यहाँ पे भी आप शूटिंग स्टार देखे उसके बाद मार्केट लगभग लगभग 2000 पॉइंट कनेक्ट हुआ ठीक है शूटिंग स्टार कब हुआ यहाँ पे हुआ यहाँ से भी हजार पॉइंट कनेक्ट हुआ था तो जब भी शूटिंग स्टार आता है टॉप में शूटिंग स्टार जब भी टॉप में आता है तब भी मार्केट में एक करेक्शन आता है ठीक है तो ये एक सिंपल करेक्शन है बस ये करेक्शन के टाइम पे जो कुछ न्यूज आ गया इसके वजह से पैनिक करेक्शन आ आ रहा है, आ रहा है 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 पैनिक सिनेरियोज ठीक ठीक ओके अभी देखते हैं लेवल्स देखिए मेरा व्यू इतना तो है कि मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर करके थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ मार्केट एक बार आपको 41,800 का लेवल या फिर 41,900 के आजू बाजू एक बार आपको दिखाएगा ये लेवल अनटेस्टेड है ये लेवल तक मार्केट एक बार आएगा भले ही वो एक हफ्ते में आए या डेढ़ हफ्ते में लेकिन आना है इस बार एक बार मार्केट को यहाँ पे ठीक है ओके अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं ये आज का एक सपोर्ट जोन था बैंक निफ्टी के पास मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बता दिया था और 15 मिनट्स पे मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था ये जो लेवल था लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था इसके ऊपर एक फिफ्टी मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए देखिए क्लोज हुआ और उसके साथ बताया था कि फिफ्टीन मिनट का कैनल क्लोजिंग के उसके हाई को ब्रेक करना चाहिए ऐसा नहीं है कि क्लोज़ कर दिया और आप ले लिए तो फंस जाएंगे देखेंगे आप इसके हाई को कभी बैंक निफ्टी ने आज ब्रेक नहीं किया उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक बहुत शानदार गिरावट दिया ऊपर से मैंने आप लोगों को यह भी कहा था इनकेस अगर मार्केट गैपअप खुल के नीचे आता है तो वेट कीजिए कोई प्राइस एक्शन का आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया प्राइस एक्शन बना लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप इसको एम पैटर्न भी मान सकते हैं ठीक है और एक अच्छा खासा हमें डाउन साइड का प्राइस एक्शन देखने को मिला यहाँ पे जितने भी लोग एंट्री किए होंगे शायद यहाँ पे निकले क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था यही लॉजिकल एक एग्जिट था ये वाला जो पैनिक सिनेरियो है ये दस में से एक ही लोग पकड़ पाए होंगे तो हर रोज ये नहीं आता ठीक है ओके कल एक्सपायरी का लेवल्स देख लेते हो उसके पहले आप लोगों को एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ देखिए एक्सपायरी लास्ट तीन एक्सपायरी बहुत अच्छा था पंद्रह जो पंद्रह दिसंबर था हमारा आप देख सकते हैं फिफ्टीन दिसंबर का एक्सपायरी बहुत ट्रेंडिंग एक्सपायरी था लगभग लगभग डेढ़ परसेंट का एक्सपायरी हमें मिला है ठीक है ओके उसके साथ साथ हम देख लेते हैं आठ दिसंबर का एक्सपायरी आठ दिसंबर का एक्सपायरी भी हमें ट्रेंडिंग मिला था कितना पॉइंट का मिला था आठ दिसंबर का एक्सपायरी लगभग लगभग पाँच पॉइंट ठीक है उसके पहले का एक्सपायरी क्या था एक दिसंबर का एक्सपायरी एक दिसंबर का एक्सपायरी भी हमें कहीं ना कहीं साइडवेस्ट ट्रेंडिंग मिल गया था लास्ट के मोमेंट पर कितना पॉइंट का लगभग लगभग साढ़े पॉइंट तो इसका मतलब हमें क्या क्लियर आ रहा है दिसंबर में तीन एक्सपायरी हमें ट्रेंडिंग अच्छा खासा मिल गया कोई भी शॉर्ट स्टेडल या स्टैंगल वाला एक्सपायरी नहीं था कोई भी रेंज बाउंड एक्सपायरी नहीं था ठीक है जो कि नॉर्मली होता है जैसे कि आप नवंबर का देखेंगे नवंबर का ट्वेंटी फोर्थ का एक्सपायरी आप देख पाएंगे यहाँ पे ये जो एक्सपायरी था नवंबर का चलिए ये भी ट्रेंडिंग आ गया तो कितना ट्रेंडिंग आ गया कॉन्टिन्यूसली चार पॉइंट चलिए ये थोड़ा सा कम ट्रेंडिंग था और उसके पहले का हम भी एक बार देख लेते हैं सत्रह दिसंबर का सत्रह नवम्बर का ये देखिए ये एक्सपायरी देख सकते आप कितना पॉइंट में घुमाएँ सिर्फ डेढ़ से दो पॉइंट के अंदर ठीक तो है। तो लगभग हमें चार जल्दी आने का चांसेस है एक फिर से रेंज बाउंड वाला एक्सपायरी तो उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं ये जो लेवल रहेगा ये हो जाएगा हमारा बाइंग सीनारियो ये हो जाएगा सेलिंग सीनारियो मतलब क्या हो गया जब भी रेंज बाउंड वाले एक्सपायरी जाएंगे तो नीचे के लेवल पे बाई होगा ऊपर के लेवल पे सेल होगा प्रीमियम बोथ तरफ से डीके होगा ठीक है और ये कितना पॉइंट का है तो ऑलरेडी इसके पास अभी भी साढ़े पांच सौ पॉइंट का क्वेश्चन है बोथ साइड घूमने का तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल का एक्सपायरी कहीं ना कहीं रेंज बाउंड हो तो देखिए एच डी एक्स निफ्टी अभी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है लगभग लगभग फ्लैट टू तो पॉजिटिव यूएस मार्केट ठीक है चलिए और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये सीनैरियो थोड़ा सा अलग है क्यों अलग है क्योंकि अभी मार्केट पे पैनिक सिनेरियो है तो अकॉर्डिंग टू पैनिक सिनेरियो दो चीज़ होगा या तो बहुत तेजी से बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे हर एक लेवल पे बाइंग या फिर जो भी लेवल आएगा वहां पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे मतलब बहुत फास्ट आपको कुछ प्राइस का मूवमेंट देखने को मिलेगा ये हो गया पैनिक सिनेरियो लेकिन हमें चार्ट क्या बता रहा है एक एक्सपायरी अभी भी पॉसिबल है कि वो साइडवेज एक्सपायरी हो तो इस तरह का सिचुएशन में ना आप बहुत ध्यान से छोटा स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड कीजिए क्योंकि कल का एक्सपायरी बहुत टफ़ होने वाला है दोस्तों शायद आपको फर्स्ट हाफ में ट्रेंडिंग मिले सेकंड हाफ़ में साइडवेज मिलके लास्ट के आधे घंटे में एडजस्ट होता हुआ दिखे बोथ साइड तो बहुत आपको एक वॉलेटाइल एक्सपायरी कल देखने को मिल सकता है तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए उसके लिए मैं आप लोगों को परफेक्ट एक लेवल्स बता देता हूँ ठीक है और इस लेवल को ध्यान से देखिए क्योंकि ये लेवल ये मतलब आसानी से मतलब ये अगर ये लेवल टूटता है तो आपको क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ ठीक है पहले मैं इसको हटा देता हूँ कल के लिए एकदम फ्रेश मैं जोन आप लोगों के लिए खींच देता हूँ अ मोमेंट ये फोर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड होगा अच्छा चलिए कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है नीचे का भी दे देता हूँ मैं फोर्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है ठीक है मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट खुला इसके बीच में जब तक रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते आपका एक्सपायरी का प्रीमियम डीके मत करवाइए ठीक है फ्लैट खुलेगा ऊपर जाएगा वेट कीजिए फ्लैट खुलेगा नीचे आएगा वेट कीजिए आप क्या कर सकते फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाता है जाने दीजिए 42,950 के पास में जैसे ही जाएगा आप वहां पे सेलिंग करने के लिए रेडी रहिए ठीक है सेल करने के लिए रेडी रहिए लेकिन सेल तुरंत मत कीजिए रेडी रहिए सेल कब करेंगे सेल हम तभी करेंगे जब यहाँ पे इस लेवल के सामने फ्लैट खुलने के बाद 42,950 के आजू बाजू कोई शूटिंग स्टार हमें देखने को मिल जाए आप पांच मिनट का भी कैंडल फॉलो कर सकते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मैं फिफ्टीन मिनट थोड़ा सा ब्रॉड टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ लेकिन मैं ये सलाह दूंगा आप लोग पाँच मिनट का ही कैंडल फॉलो कीजिए चलिए मैं पाँच मिनट लगा भी देता हूँ पाँच मिनट का कैंडल फॉलो कीजिए क्योंकि कल अगर पंद्रह मिनट का वेट आप करेंगे तो हर एक मूव आपका मिस हो जाएगा तो पांच मिनट का कैंडल में अगर आपको फोर्टी टू थाउजेंड नाइन फिफ्टी के सामने इस लेवल के सामने कोई शूटिंग स्टार मिलता है पाँच मिनट में तो जैसे वो शूटिंग स्टार को ब्रेक करेगा आप वहां पर उसको शॉर्ट कीजिए ठीक है या फिर मान लीजिए कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग बियारिश कैंडल मिल गया तो उसके लो को जैसे ब्रेक करेगा आप यहाँ पे शॉर्ट कीजिए ऊपर ऐसे लगाइए बस थोड़ा सा ऐसे लाएगा आपको टारगेट लगभग लगभग पहला टारगेट 200 पॉइंट आ जाएगा उसके बाद का टारगेट ये वाला लास्ट जोन आ जाएगा ठीक है ये मैंने बता दिया ऊपर में शॉर्ट करने का लेवल्स ओके फ्लैट खोल के नीचे आएगा वेट कीजिए जैसे ही 44,360 के आजू बाजू में आएगा यहाँ पे कोई अगर आपको हैमर कैंडल देखने को मिलता है तो हैमर के ऊपर आप एक बार लॉन्ग कीजिए बाई कीजिए या फिर कोई मानिए स्ट्रांग बुलिश कैंडल देखने को मिल गया तो उस बुलिश कैंडल के ऊपर आप बाई कीजिए उसके नीचे बुलिश कैंडल के नीचे आप इसल लगाइए और आपका फर्स्ट टारगेट कम से कम दो पॉइंट और नेक्स्ट टारगेट फोर्टी हो जाएगा ये में अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो नीचे में इस लेवल पे आपको एक बार बाइंग हैपनिंग करना एक बार बाइंग ट्राई करना है और इस लेवल पे एक बार सेलिंग करना है क्योंकि यहाँ से एक बार मार्केट साइड मतलब वॉलेटाइल हो सकता है एक बार फिर से इस लेवल को टेस्ट करके ऐसा कर सकता है ठीक है ये पॉसिबिलिटीज है और इसमें आपका एसेल बहुत छोटा रहेगा अभी क्या हो सकता है मान लीजिए आपका एसेल हिट हो गया इधर साइड मतलब अगर ऊपर जाता है तो यहां पे आपने शॉर्ट किया और निकल गया और या फिर मान लीजिए नीचे एक सेकेंड सॉरी और मान लीजिए मान लीजिए नीचे आता है नीचे आने के बाद आपने यहां पे लॉन्ग किया और यहां पे इसको एसेल हिट हो गया कोई दिक्कत नहीं वेट कीजिए एसेल हिट होगा 40-50 पॉइंट का लेकिन जैसे ही एसेल हिट होगा आप उस तरफ का ट्रेड ले लेंगे बहुत फास्ट आपको उस तरफ का ट्रेड मिलेगा मतलब अगर आपका लॉन्ग साइड का एसएल हिट हो जाता है तो आप तुरंत ही इस साइड पर ट्रेड ले लेंगे आपको लगभग लगभग यहां से कितना पॉइंट हो गया 300 पॉइंट बैंक निफ्टी बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा और अगर आपका नीचे का एसएल हिट हो जाता है तो जैसे एसेल हिट होगा और एक कैंडल क्लोज कर देगा पांच मिनट पे तो आप तुरंत वहां पे ट्रेड ले लीजिए नीचे का और अगर ऊपर में आपका एस एल हिट करके एक पांच मिनट का कैंडल क्लोज देखिए पांच मिनट में काम हो जाएगा इस बार पंद्रह मिनट की जरूरत नहीं है पांच मिनट पे काम हो जाएगा जैसे ही पाँच मिनट का कैनल क्लोज हो जाएगा ऊपर में तो आपका ऊपर का साइड आ जाएगा और अगर नीचे में पंद्रह मिनट का कैनल क्लोज हो गया तो आपका नीचे का साइड का ट्रेड आ जाएगा दोनों में तीन सौ तीन सौ पॉइंट जाने का बहुत पॉसिबिलिटीज़ है तो आप समझ रहे हैं ना कितना टफ एक्सपायरी होने वाला है क्योंकि इस बार कोई नहीं जानता किस तरफ जाएगा मार्केट तो पॉसिबिलिटीज़ साइडवेज का भी है लेकिन पैनिक सीनरियों के ऊपर भी बेस करेगा पॉसिबिलिटीज नीचे आने का भी है लेकिन एक रिट्रेसमेंट भी ये हो सकता है तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन में इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट एस से काम कीजिए फोर्टी फोर थाउजेंड के सामने एक बार लॉन्ग कीजिए हैमर कैंडल या फिर कोई बुलिस कैंडल के हाई को ब्रेक करने के बाद एस उस कैंडल का लो को लगाइए अगर ब्रेक होता है ठीक है बढ़िया है और अगर यहाँ पे ब्रेक होने के बाद नीचे कोई कैंडल क्लोज कर देता है पाँच मिनट का तो उसी कैंडल के क्लोजिंग के बाद आप ट्रेड ले लीजिए आपको 300 पॉइंट इजीली देखने को मिल जाएगा सेम चीज़ ऊपर अगर आपको शूटिंग स्टार देखने को मिला उसके नीचे आपने शॉर्ट किया सेल किया लेकिन आपका शूटिंग स्टार का एसएल हिट हो गया एसएल हिट होने के बाद ऊपर जैसे एक पाँच मिनट का कैंडल क्लोज होगा आप वहां पर लॉन्ग कर देंगे बाई कर देंगे फोर्टी तक का आपका टारगेट ईजिली देखने को मिल जाएगा ठीक है ओके मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया जिसका चांसेस थोड़ा सा कम है क्योंकि यूएस जिस तरह से टाना है अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है बाई सिनेरियो बनता है दोस्तों बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा आपको एक हैमर कैंडल देखने को मिल जाएगा आप वहां पे आग बंद करके बाई कर सकते हैं क्योंकि मार्केट एक बार फिर से कवर करने के बहुत फास्ट आएगा तो बहुत बड़ा गैपडाउन बाई है ठीक है छोटा मोटा गैप डाउन भी आपको देखना पड़ेगा आप छोटा मोटा गैप डाउन पे ट्रेड नहीं कर सकते उसको थोड़ा और नीचे आने दीजिए उसके बाद आपको डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा आप वहां पे बाई कर सकते हैं ठीक है ओके बहुत बड़ा गैप अप सेल एकदम सेम सिनेरियो, गैप गैप डाउन की तरह बहुत बड़ा गैप अप सेल हो जाएगा बहुत फास्ट आपको एक शूटिंग स्टार देखने को मिल जाएगा आप वहां पे सेल कर दीजिए छोटा मोटा अगर गैप अप होता है तो वेट कीजिए अगर छोटा मोटा गैप अप होता है तो आप फंस सकते हैं मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाएगा जैसे ही फोर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड के सामने जाएगा तो इस लेवल पे बहुत शार्प एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलेगा तो छोटा मोटा गैप अप होके अगर फोर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड तक जाता है आप यहाँ पे एक बार सेल कीजिए चालीस से पचास पॉइंट का एसएल लगाइए आपको बहुत इजीली टारगेट मिलेगा आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं मान लीजिए कि बहुत सारा सिनेरियोस क्रिएट हो सकता है मान लीजिए आपके लिए बेस्ट सिनेरियो रहेगा अगर मार्केट फ्लैट खुला फ्लैट खुलने के बाद ऊपर गया ऊपर जाने के बाद स्लो एंड स्टडी यहाँ पे एक फाइव मिनट का क्लोज कर दिया फाइव मिनट का ये फिफ्टीन मिनट का है फाइव मिनट का कैनल क्लोज कर दिया ठीक है यहाँ पे शूटिंग स्टार बना नहीं तो आपका सेल साइड का पोजीशन आएगा नहीं जैसे ही फाइव मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया आप उसके ऊपर ट्रेड ले लिए आपका टारगेट फोर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड तक रहेगा आपने यहाँ पे तीन सौ पॉइंट इजीली बुक कर लेंगे आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे ही इस लेवल के सामने जाएगा एक बार शॉर्ट कीजिए आपको फिर से तीन सौ पॉइंट मिलेगा तो आपको कल बोथ साइड मिलेगा ट्रेड बोथ साइड का खाने का कोशिश कीजिए प्रीमियम बोथ साइड पर ट्रेड लेने का कोशिश कीजिए ट्रेड लेके बैठे मत रहिए ऐसे लीड होता है तो तुरंत उस ट्रेड से निकलिए बहुत छोटा और स्ट्रिक्ट ऐसे लगाया लेवल्स के हिसाब से मैंने जो दिया छोटा और स्ट्रिक्ट ऐसे रहेगा ऐसे लीट होगा और जैसे ही कंडीशंस पूरा होगा मान लीजिए ऐसे हीट होकर कोई फाइव मिनट का कैंडल इधर साइड हमारे रेंज को ब्रेक करके क्लोज कर रहा है तो तुरंत उस साइड का ट्रेड ले ली लीजिए बैठ के सोचिए मत कि थोड़ा और देखता हूँ कैपिटल खत्म हो जाएगा दोस्तों प्लीज तो इस चीज को ध्यान से रखिए दिमाग पे निफ्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ निफ्टी में भी सेम टू सेम सिनेरियोज है आएगा निफ्टी में एक और चीज है मूविंग एवरेज का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो निफ्टी में थोड़ा सा और बाइंग हैपनिंग हो सकता है लेकिन बैंकिंग सेक्टर बहुत वीक है निफ्टी के मुकाबले बैंकिंग ज्यादा वीक है ठीक है पीएसयू बैंक जिस तरह से चला है गोल्ड जिस तरह से चल रहा है आई एनआर यूएसडी जिस तरह से भाग रहा है बैंकिंग बहुत वीक है तो बैंकिंग अगर आपको बहुत बड़ा गैप अप मिलता है सेल बहुत बड़ा गैप डाउन मिलता है बाई छोटा मोटा गैप अपोर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड के आजू बाजू जाएगा सेल छोटा मोटा गैप डाउन नीचे आएगा लगभग लगभग आपका फोर्टी टू थाउजेंड के आसपास आएगा फोर्टी टू थाउजेंड का राउंड नंबर है वहाँ पे बाई फ्लैट ओपन होकर फोर्टी टू थाउजेंड नाइन फिफ्टी के आजू बाजू जाएगा शूटिंग स्टार बनेगा पाँच मिनट पर तो ही हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे सेल साइड के लिए रेडी रहेंगे डाउन साइड का ट्रेड कब लेंगे जब शूटिंग स्टार बनेगा और अगर शूटिंग स्टार ना बनकर कैंडल के क्लोज कर दिया है ऊपर का ट्रेड फिर से 43,300 तक जाने का चांस सेम चीज नीचे भी हैमर बनेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे 44,360 के सामने और अगर हैमर नहीं बन के कोई फाइव मिनट का कैंडल क्लोज तो फिर से नीचे 42,000 तक का जाने का चांस ठीक है और एक सिनैरियो और अगर शूटिंग स्टार बना भी है हैमर बना भी है आपने ट्रेड लिया आपका एस हिट हो गया कोई दिक्कत नहीं है पचास साठ सत्तर पॉइंट जगह जाएगा लेकिन जैसे ही एस हिट होने के बाद एक कैंडल क्लोज करेगा उस साइड का हम ट्रेड ले लेंगे दो सौ से ढाई सौ पॉइंट मिलेगा दोस्तों तो बहुत सावधानी से प्लान कीजिए कल का एक्सपायरी कुछ समझ नहीं आ रहा है मार्केट किसी भी हालत में कुछ आपको समझने नहीं दे रहा है मान लीजिए मार्केट इसी बीच में ऐसा ऐसा घूमा कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है वेट कीजिए दो बजे के दो बजे के बाद जिस तरफ भी कोई रेंज बना के ब्रेक करेगा उस तरफ आपको अच्छा मूव मिलेगा ठीक है एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट कल जहां भी घूमेगा उस रेंज के चार पॉइंट इधर साइड घूम सकता है ठीक है मतलब अगर यहाँ पे घूमा यहाँ पे खुला है तो मार्केट इसी रेंज में खुल सकता है अगर फ्लैट खुलता है और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो इसी रेंज में मार्केट घूम सकता है तो इसीलिए बोथ साइड का ट्रेड मिलेगा बड़ा बड़ा ट्रेड मिलेगा एजल स्ट्रिक्ट रखिए लेवल स्ट्रिक्ट रखिए आपको अच्छा पैसा कल एक्सपायरी में देखने को मिलेगा ठीक है तो चलिए और, और एक चीज़ जो आपको आपके लिए स्टॉक्स में बता रहा था कोरोना का न्यूज़ की वजह से हर एक फार्मा सेक्टर और थोड़ा बहुत फार्मा का केमिकल सेक्टर फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो लोग केमिकल बनाते हैं जैसे आर हो गया हमारा कुछ अपना यूपीएल हो गया तो इस तरह का स्टॉक्स चलेगा आपको अगर फार्मा का स्टॉक्स लेना है तीन से चार दिन का स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट दे रहा हूँ डिविज लैब उठा लीजिए कल यहाँ पे भी खुलता है और फार्मा उठा लीजिए सन फार्मा उठा लीजिए ये तीन उठा लीजिए आपको तीन से चार परसेंट बहुत इजीली देखने को मिलेगा टेक्निकल मत देखिए इस बार साइकोलॉजिकली लेवल से साइकोलॉजिकली ये आपको तीन से चार परसेंट देखे जाएगा इस पैनिक सिनेरियो में ठीक है तो चलिए आज यही पे वीडियो खत्म करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए नीचे इंस्टाग्राम का चैनल दिया हुआ है जाइए जुड़ जाइए टेलीग्राम का भी चैनल दिया हुआ है आप लोगों को कुछ ला रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ब्रोकर ला रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा उसके साथ साथ मेरा लाइफ ट्रेडिंग का भी क्लासेस का चालू करने का सोचा है मैंने थोड़ा सा नया साल आने दीजिए हर कुछ आप लोगों को बताऊंगा मैं और जितना भी मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ठीक है तो प्लीज़ आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है चलिए आज के लिए इतना ही टेक केयर बाय बाय